सर्वमयपूर्ण हे परमपिता परमात्मा, तू सर्वमय सबसे सर्वोपरि है और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है जो आस्तिक भावना के साथ में अपने ऋषि कहते हैं कि गदगद की भावना के साथ में परमपिता परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित होता है, उसी परमपिता परमात्मा का मन पूर्ण करता है। और किसी ऐसे लोग से उपस्थित होता है जैसे लोग किसके कई प्रकार का होता है, लोग से अगर प्रस्तुत होता है तो व्यक्ति क्या होती है स्थिति, इसको साथ में दक्षिणा के साथ में जोड़ के समझाना चाहता हूं। हमारे जो विधान रखा है उसके तहत संकल्प जब लेता है तो खाली हाथ नहीं लेता यजमान कभी। तो कहा ऋषियों ने तो विधान रखा कि भाई संकल्प जिस समय लिया जा रहा है कुछ द्रव्य रखो, फल रखो, श्रीखंड रखो, अगर इस प्रकार की वेदी के माध्यम से व्यवस्था कराई जाती है तो लोगों के दिमाग में आता है तो लेने मांग के खाने वाले रहते हैं, ये विचार आ गया। इसलिए थोड़ी सी फिर हटा दिया कि चलो भाई और कुछ नहीं तो जल ही ले लो हाथ में, जल से पवित्र कोई चीज वस्तु नहीं है तो जल ही ले लो। जल को अंजलि में लेते हुए संकल्प लेता है और संकल्प लेने के साथ में कहता है हे परमपिता परमात्मा, जिस प्रकार से ये शीतल जल अगर जहां भी जाता है वहां पर सौम्यता को धारण करता हुआ सब समस्त प्राणियों में सौम्य तत्व भर देता है, ठीक इसी प्रकार से मैं जिस संकल्प के साथ में जुड़ रहा हूँ मेरे अंदर उद्विग्न न आए, उछल कूद न हो, किसी प्रकार की उछलकर्ता बदमाशी न हो, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊं उसमें थोड़ा सा मैं शांत भाव से बना रहूं। और कहा अंत में यजमान ने पूर्णावती कर दी, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमपिता परमात्मा मेरा और मेरे साथियों का सबकी मनोकामनाएं आप पूर्ण करो। ये भाव रख दिया, परंतु दूसरी एक बात और रख दी ऋषियों ने व्यवस्था रखी कि यज्ञ के बाद में बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा होता नहीं है। अब यहाँ पर ये बात कहते हैं ना तो फिर कोई बात आती है कि भाई ये लेने वाले खाने वाला है, परंतु मैं इस सिद्धांत को बड़े कठोरता के साथ में समझ पाया। पहले कभी नहीं मिलती थी दक्षिणा तो थोड़ा सा मन में होता था कि भाई सामने वाले ने दक्षिणा नहीं दी, परंतु मैं बहुत चिंतन करता रहा काफी समय के बाद में मुझे महाराष्ट्र में यह वृष्टि यज्ञ मैंने संपन्न कराया तो वहां समझ में आ गया, क्योंकि अल्पज जीव है एकाएक नहीं समझ पाता। कहा कि जब यजमान अपने समस्त साकल्य को लेकर वेदी पर उपस्थित होता है, घी संधा सामग्री अन्य जितने भी सामग्री है वो सारे की सारी साकल्य लेके उपस्थित होता है और वेद मंत्रों के माध्यम से यज्ञ को पूर्ण करता है, और पूर्ण करने के बाद में यजमान अगर दक्षिणा नहीं देता तो उसका जितना भी पुण्य कर्म है सारा किसकी जोड़ी में आ जाता जी, रोहित के, जो ब्रह्मा है पुरोहित है जिसका वरण किया गया है, अगर यजमान अपने जेब में से वो दक्षिणा नहीं निकाल रहा है, द्रव्य नहीं निकाल रहा है, तो जितना भी घी सामग्री साकल और समय दिया है उसका सारा का सारा पुण्य किसकी जोड़ी में जाएगा, रोहित के, जिसका अपहरण किया है। तो मैंने कहा भाई ये सौदे का घाटा तो नहीं, अगर नहीं देता तो सौदे का घाटा तो नहीं है। तो उस समय से मैंने बताना हमारा कर्म है बताना फर्ज बन जाता है, अगर दे देता है तो क्या जी दक्षिणा मिल जाती है, दे देता है यजमान तो फिर क्या स्थिति होती है। कहा कि मैंने भी पुरुषार्थ किया है यजमान ने भी पुरुषार्थ किया है तो फिर क्या होगा, मैंने जो पुण्य कर्म किया है परमात्मा मुझे पुण्य कर्म का फल अवश्य देगा और आपने जो किया है उसका भी पुण्य कर्म का फल आपको भी अवश्य मिलेगा, परंतु न देने पर सारी कटौती करके इधर आ जाता है।
गदा आ जाता है तो रक्षा मिल जाए तो कोई चिंता नहीं, और ना मिल जाए तो चिंता नहीं, और मिल जाए तो चिंता नहीं। तो हमें यजमान के माध्यम से जितने भी, जैसे मैंने कहा कि बहन जी आई, उस घी सामग्री इत्यादि अपने घर में से लेके आई, ये गृहणियों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर पे यज्ञ को संपन्न नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जहाँ धार्मिक स्थल है जो सामूहिक यज्ञ हो रहा है उसमें से अपने घर में से कुछ साकल्य लेके चले, जिसमें हमारी ये सहभागिता हो जाए। यदि में सहभागिता, और आप लोगों ने बाहर से आए हैं, ये व्यवस्था समाज की है, सारे समाज की व्यवस्था कर रखी है घी सामग्री की, परंतु स्थानीय व्यक्ति को अपने घर से घी सामग्री इत्यादि लेके आना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा न हो कि भाई घी सामग्री नहीं लेके जाएंगे तो फिर हम कैसे जाए, ऐसा मन में भाव नहीं आना चाहिए। आप आगे यज्ञ में उपस्थित होंगे तो भी आप पुण्य के भागी होंगे। कहा जाता है जो अच्छे कार्य को करने में सहभागिता दिखाई देते हैं उसके साथ में सम्मिलित हो जाता है तो वो भी व्यक्ति पुण्य का अधिकारी बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति चोर था और चोर के साथ में दूसरा व्यक्ति रात में कहीं यात्रा कर रहा था तो उसको भी साथ में लग गया, वो अपनी यात्रा कर रहा था, चोर साथ में वहां मिल गया बीच में, बीच में मिल गया तो सामने वाले गांव की तरफ पहुंचे तो एक व्यक्ति अपने खेत पर आ रहा था तो उसने उन व्यक्तियों को देखा और आवाज लगा दी, क्या चोर चोर। अब चोर जो चोर था वो दौड़ गया, चोर के तो पैर कितने होते हैं, चोर चोर चिल्लाया और वो दौड़ने लगा और जो बड़ा आदमी था अपनी यात्रा कर रहा था अब वो वहां खड़ा कर खड़ा रह गया, वो चोर थोड़ा था, उसके मन में तो ये था कि मैं चोर नहीं, परंतु पिटाई हुई कि नहीं, पिटाई होगी कि नहीं, चोर तो नहीं था उसे पता है, पर सामने वाले को तो नहीं पता कि ये चोर है कि नहीं चोर है, यात्रा कर रहा है। तो यानी चोर के साथ में भी मिलने के बाद में आपने चोरी की है नहीं की है, परंतु चोरी का मन में भाव नहीं है, फिर भी पिटाई हो गई। तो हम अच्छे कर्म में अपनी सहभागिता दिखाई दे तो निश्चित तौर से पुण्य का भी भागी हम होंगे, और अगर गलत काल में होते हैं तो भी उसका फल मिलता है। तो निश्चित तौर से हमें ये व्यवस्था भी बनाते रखनी चाहिए।